टू चार्ट ट्रेडर्स आज हम इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे फॉर अ नेक्स्ट वीक अ मंडे सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो मैंने यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन किया है ओके okay, तो आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी में यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है एट द टॉप ओके तो आप यहाँ पे आप स्पिनिंग टॉप को ट्रेड कर सकते हो इसके बिलो आप सेल कर सकते हो ये कैंडल के लो के बिलो ओके okay, तो टारगेट मेरा फर्स्ट रहेगा फोर्टीन थाउजेंड अराउंड सेवन एट हंड्रेड ये ये तो आपके ऊपर आप बाय कर सकते हो ओके सो नॉर्मली अगर पोजिशनल ट्रेड मुझे लेना है तो मैं ये कैंडल के नीचे बिलो सेल करूँगा ठीक है यहाँ पे और पहला टारगेट ये रहेगा अगर वो ब्रेक हुआ देन सेवन थर्टी तक वो वापस जा सकता है ओके okay? तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले, ले सकते हो अगर आपको इन बिटवीन क्योंकि यहाँ पे देखो एक गैप क्रिएट किया हुआ है ओके okay, तो इन फ्यूचर कभी भी ये गैप फिल हो सकता है तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो ओके okay, सो so पहला सपोर्ट डाउन साइड पे ये है दैट इज़ फोर्टीन थाउजेंड यू नो एट हंड्रेड फोर्टीन थाउज़ेंड थर्टी सिक्स एंड फोर्टीन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी और उसके बाद है दैट इज़ अराउंड फोटीन अगर ये गैप अगर फिल होने के लिए आएगा मार्केट ओके okay, तो शायद ये फिल करके यहाँ से ये वापस अब जा सकता है जैसे कि हायर हाई high बना रहा है तो यहाँ पे आएगा वापस फिर वापस अब जा सकता है ठीक है तो ये लेवल पे आप कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हो इन फ्यूचर ओके मैंने पोजिशनली आपको बता दिया कैसे ट्रेड करना है कौन से इंपोर्टेंट लेवल है फिफ्टीन के ऊपर ही हम बाई करेंगे नेक्स्ट ओके okay, और ये अगर वो क्रॉस होगा तो ये आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा फिर नाउ अगर हम देखें अगर हम फिबो रिट्रेसमेंट भी अगर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस लो टू दिस अप ओके तो यहीं पे ही आपका अराउंड फिफ्टी परसेंट और थर्टी एट परसेंट आ रहा है ये गैप का अपर साइड और लोअर साइड ओके सो नाव ये गैप आपका इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है ट्रेडिंग के लिए अगर आपको वहीं पे मिले तो आप बाय करके वापस चल सकते हो सो फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड सॉरी फोर्टीन थाउजेंड फोर फाइव हंड्रेड और फोर्टीन थाउजेंड थ्री फिफ्टी डैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैंने ये निफ्टी फिफ्टी का फिफ्टीन मिनट पे चार्ट ओपन किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से मूव के बाद यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल बना रहा है कॉन्सोलीट हो रहा है अब डाउन डाउन ओके अब यहाँ पे किस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो वापस वो फिफ्टीन थाउजेंड तक जा सकता है डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ तो वापस वो एट हंड्रेड और उसके बाद सेवन थर्टी तक जा सकता है ओके सो ये आपको ट्रायंगल को प्ले करना है जिसे भी तरफ ब्रेकआउट आए या फिर एक बार यहाँ पे बाई करके चल सकते हो वापस फिफ्टीन थाउजेंड के लिए और एडिशनली यहाँ पे फोर फोर्टीन थाउजेंड सेवन थर्टी आप बाय करके चल सकते हो ओके सो मंदी आप किस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो कौन सी तरफ से वो आ, ट्रेडिंग हो रहा है अगर हम कैमरेला प्योअर पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जाके सिर्फ नेक्स्ट डे सिलेक्ट करना है आपको तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन से आ रहे हैं सेवन फोर्टीन थाउजेंड एट फोर्टी वन और फोरटीन थाउजेंड सेवन सेवेंटी थ्री ओके तो यहाँ पे मैं बाय करके के चलूंगा एक बार मंदे के लिए सेल अगर मुझे करना है तो वापस ये हाई पे ही आ रहा है एच फोर अगर वो ब्रेकआउट हुआ है तो वापस फिफ्टीन थाउजेंड सेवेंटी फोर तक वो टेस्ट करने के लिए जा सकता है ठीक है सो तो ये कैमरेला के हिसाब से लेवल आ रहा है अगर आप उससे लेटर भी देख लो एक बार तो वो ब्लू अगर वो क्रॉस कर रहा है तो मतलब कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है ओके okay, आप कभी भी देख लो कहीं पे भी क्रॉस हो रहा है अपसाइड पे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है अगर ये मुद्दे को अगर ये क्रॉस कर दिया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी फिफ्टीन थाउजेंड सेवेंटी फोर तक जाएगा उसके बाद अगर ब्रेक हुआ तो वापस वो अप जा सकता है तो उस हिसाब से आप निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूस रीली आई थी अराउंड यू नो थ्री फाइव डे से कंटिन्यूस अप जा रहा है और यहाँ पे उसने हैमर इन्वर्टेड हैमर बनाया ऑलमोस्ट अब आप इन वो इनको इन्वर्टेड प्लेयर की तरह इन्वर्टर uh, हैमर की तरफ से आप प्ले कर सकते हो इसके बिलो और यहाँ पे गैप भी क्रिएट हुआ है ओके okay? तो वो गैप का डाउन साइड और अप साइड आपका सपोर्ट रहेगा सो थर्टी फाइव थाउजेंड अराउंड थ्री सेवेंटी फाइव इज आपका सपोर्ट रहेगा ओके ये गैप है माइनर गैप है तो ये गैप आपका सपोर्ट लोअर साइड आपका सपोर्ट रहेगा तो ये आपका मेन इंपोर्टेंट लेवल है मंडे के लिए दैट इज थर्टी फाइव थाउजेंड थ्री फोर सेवन ओके थ्री फिफ्टी पे आपको एक बार बाय करके चल सकते हो अगर आपको सेल करना है तो इसके बिलो ही करना है या फिर जो आपका इन्वर्टेड हैमर का टॉप है वहीं पर जाके नियरली वो वो हाइट पर आप सेल करके चल सकते हो वहाँ पर अगर आएगा तो डाउन साइड पर अगर वो लेवल भी ब्रेक हुआ गैप का डाउन साइड तो वापस वो थर्टी फोर थाउजेंड नाइन नाइन हंड्रेड तक जा सकता है बैंक निफ्टी अगर वो भी ब्रेक हुआ ओके देन डाउन साइड थर्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड है और यहाँ पे भी एक डाउन साइड पर गैप क्रिएट हुई है तो फ्यूचर में कभी वो फील होने के लिए जा सकता है तो अगर इन फ्यूचर कभी भी आपको बैंक निफ्टी थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव एटी फाइव और थर्टी थ्री थाउजेंड टू नाइन्टी सेवन का राउंड मिले तो वहाँ पे आप बाय करके चल सकते हो और ये एक और ट्रेड एक और गैप क्रिएट हुआ है दैट इज दिस वन ठीक है तो ये दो गैप के एरिया आपको मंडे और पोजिशनली कभी भी आपको ट्रेड करना है तो ये लेवल आप गैप के एरिया आ, नोट करके रख सकते हो वहीं पे आप ट्रेड कर सकते हो अगर यहाँ पे इन्वर्टेड होम हैमर क्रिएट हुआ है तो उनको आपको प्ले करना है ठीक है अगर मंदिर की बात करें फिफ्टीन मिनट पे अगर चार्ट देखूँ तो उसमें भी आप देख सकते हो बढ़िया सा फ्लैग पैटर्न टाइप क्रिएट हुआ है ओके नॉट फ्लैग बट लेट्स कंसिडर जिस अपसाइड और यहाँ पे जैसे फ्लैग साइड के डाउन uh, साइड पे अगर और ट्राइंगल जैसा भी क्रिएट हुआ है तो आप क्या करोगे अब इसको अगर ब्रेक अप साइड पर करोगे तो वापस थर्टी थ्री थाउजेंड टेस्ट करने के लिए जाएगा थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डाउन साइड पे अगर ब्रेक हुआ तो पहला सपोर्ट ये है मैंने हम आपको बताया कि थर्टी फाइव थाउजेंड थ्री सिक्सटी टू अराउंड वहाँ पे आप पाई करके चल सकते हो दूसरा सपोर्ट है थर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड ओके और थर्टी फाइव थाउजेंड तो वो एरिया में आप एक बार बाय करके के चल सकते हो पोजिशनली ओके okay, अगर आपको इंट्रा डे भी करना है तो उस लेवल पर आप बाई करके चल सकते हो एक बार के लिए और देखो आप यहाँ पे आर एस आई भी फोर्टी पे सपोर्ट ले रहा है ठीक है so, सो बैंक निफ्टी में आप बाय करके चल सकते हो अच्छी सी अपॉर्चुनिटी ये ट्राइंगल के ब्रेकआउट पे थर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टेस्ट करने के लिए जाएगा अगर हम बैंक निफ्टी में कैमरीला लेवल लेके नेक्स्ट डे के लिए तो यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है थर्टी फाइव थाउज़ेंड थ्री फोर्टी फाइव जो हमने डिस्कस किया और दूसरा है थर्टी फाइव थाउज़ेंड तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है वहाँ पे आप बाई करके एक बार चल सकते हैं अगर वो दोनों भी ब्रेक हुआ तो लास्ट इस्ट थर्टी फोर थाउजेंड फाइव नाइन्टी अपर साइड पर वापस एच वन एच सॉरी एच थ्री एच फोर सो एच फोर इंपोर्टेंट है थर्टी सिक्स थाउजेंड टू थर्टी नाइन अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो यहाँ पे अराउंड आपको कैंडल स्टिक पे ट्रेड करना है और आप सेल कर सकते हैं अगर वो क्रॉस करके सस्टेन हुआ तो वापस वो थर्टी सिक्स थाउजेंड तक जा सकता है ओके okay, सो so ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल थे अकॉर्डिंग टू द कैमरिला और कैंडल स्टिक और एंड लेवल थे ओके okay, और यहाँ पे उस लीडर भी आप देख सकते हो यहाँ पे अगर क्रॉस हुआ तो वापस वो बाय बनेगा ओके okay, सो so फाइव मिनट पे ये लेवल और डेली बेसिस पे ये लेवल है कैमरेला के सो ये थी बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस इफ़ यू लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ वी थैंक यू